बेसिकली जो हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र है, जो कि पिछले काफ़ी 10 सालों से ऊपर जब यहाँ पे अकाफ मार्केट में जो ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस के साथ में ही है पासपोर्ट सेवा केंद्र, तो उसको बेसिकली हम यहाँ से रीअलोकेट कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहा है ये नई लोकेशन पे। तो 26 फरवरी से, सोमवार से ये नई लोकेशन पे होगा। जो भी एप्लीकेंट्स होंगे वो उस जगह पे आके अपने एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। बता सकते हैं ये नई लोकेशन क्या है, थोड़ा एड्रेस बता देंगे उसका? हाँ, ये बेसिकली यहाँ पे नरवाल में है, जो फ्रूट मार्केट है उसके पास ही है। प्लॉट नंबर 26 और 27 इसका है, और वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ अरेंजमेंट हो चुका है। जो काउंटर्स जैसे यहाँ पे बने हैं, वहीं से काउंटर्स बना चुके हैं हम। तो होपफुली मंडे मॉर्निंग में हमने 20 अपॉइंटमेंट्स रखी हैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, और उसके बाद 27 और 28 तारीख जो है उसमें 50-50% अपॉइंटमेंट्स रख रहे हैं, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए। उसके बाद फिर फुल कोटा अपॉइंटमेंट खोली जाएंगी। और मोर ओवर वहाँ पे जो कैपेसिटी है, जो यहाँ यहाँ पे कैपेसिटी है उसके कंपैरिजन में कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। बट अभी इनिशियली हम उतनी ही कैपेसिटी रखेंगे, बट आने वाले समय में जैसे कि और एप्लीकेंट्स को हम वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सर काउंटर्स वगैरह भी कुछ एक्सटेंड होने जा जी रहे हैं क्योंकि यहाँ स्पेस की हाँ, बात। जैसे यहाँ पे अभी देखा जाए तो हमारे पास जो एक काउंटर है वो 6 है, तो वहाँ पे 13 काउंटर है, तो लगभग डबल के आसपास काउंटर है। तो वहाँ पे देखा जाए एक काउंटर में ऑन एन एवरेज 50 एप्लीकेंट्स के हम कैटर करते हैं, एवरेज की बात की जाए तो वहाँ पे 13 है। तो मतलब वहाँ पे लगभग 600 से ऊपर एप्लीकेशन हो सकती हैं। बट इनिशियली हमारा पर्पस यही रहेगा कि हम पहले इतने ही प्रोसेस करेंगे, धीरे धीरे इसको और बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। पासपोर्ट बनाने में नॉर्मली कितने दिन लगते हैं? पासपोर्ट जो पासपोर्ट बनाने का दिन का जो प्रोसेस है, बेसिकली एक ही दिन में हम प्रोसेस तो यहाँ से कर देते हैं। जो ज़्यादा समय लगता है वो वेरिफिकेशन, जो CID वेरिफिकेशन होती है उसको आने में टाइम लगता है। अदरवाइज जो पासपोर्ट ऑफिस का जो काम है उसमें देखा जाए तो हम सेम डे प्रोसेस कर देते हैं, और जैसे ही वेरिफिकेशन आ जाती है हार्डली मेरे ख्याल से 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर पासपोर्ट प्रिंट होके हम यहाँ से स्पीड पोस्ट के थ्रू डिस्पैच कर देते हैं। रिलोकेशन करके क्या क्या सुविधा जो है वो लोगों को मिलेगी और कितना फर्क पड़ेगा प्रोसेस करने में और प्लानिंग देखिए, में? एक तो जैसे यहाँ पे हम कुछ सुविधाएं नहीं थी, जैसे देखा जाए यहाँ पे जो विकलांग लोग जो आते थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मैं कई बार जब से यहाँ आया था तो ये मैंने खुद महसूस किया कि भाई जो आ रहे हैं लोगों, इनको हम अपनी कोशिश से अपनी तरफ से हम उनको पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते थे, बट लेकिन कुछ जगह पे हम असहाय हो जाते थे। वहाँ पे रैंप बना हुआ है तो वहाँ से आराम से उनको लेके ऊपर जाया जा सकेगा, और वहाँ पे उनको अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते। इसके अलावा आप बोल रहे हैं जैसे कि यहाँ पे और क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी, जैसे बता रहा हूँ कि आने वाले समय में वहाँ पे हम और एप्लीकेशंस प्रोसेस की जाएंगी। तो GNK की जो 10 डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे और एप्लीकेंट्स, क्योंकि देखा जाए जैसे पिछले कुछ दिनों में अपॉइंटमेंट साइकिल भी बढ़ गया था, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए जैसे जैसे अपॉइंटमेंट्स हम इंक्रीज करेंगे तो साइकिल को नीचे लाया जा सकता है, और एक जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको अच्छे से हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। शिफ्टिंग पीरियड जो ये रहने वाला है, क्या किसी प्रकार की कोई असुविधा लोगों को होने वाली है, और यदि होने वाली तो क्या जी, इंतजाम उनके लिए मैं होगा? ये बोल रहा हूँ, जैसे सपोज कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स ले ली होंगी, तो उनका जो एड्रेस आ रहा है वो या ये पर्टिकुलर इस ऑफिस का एड्रेस है। ऑल्दो हमने एक TCS टीम को हमने मैसेजेस के द्वारा ये बता दिया है कि उनको एक मैसेज चले जाए कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो नई लोकेशन पे जाके उनको प्रोसेस करना है, जो नया एड्रेस है। और इसके अलावा जो शीट्स अगर वो प्रिंट लेते हैं फिर से, जो उनके अपॉइंटमेंट शीट्स होती है उसमें भी एड्रेस अपडेटेड आ जाएगा। हमने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया हुआ है जो बैकएंड की टीम को, तो मैसेज चले जाएगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही एक रीज़न है कि उनको एक मीडिया के माध्यम से भी पता लग जाए कि कुछ चेंजेस हो रही हैं, ताकि ऑल्दो यहाँ आएंगे हम एक पब्लिक नोटिस यहाँ भी लगा देंगे, बट यहाँ ना आके 26 तारीख से वो वहीं पे प्रोसेस होगा उनका काम। यानी कि वहाँ पार्किंग की जो प्रॉब्लम है वो सारी हल हो जाएगी। वो काफ़ी हद तक उसको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा वहाँ पे। सर इवन फाइनल बताएंगे जो एड्रेस है ताकि लोगों को पता चल सके सभी। हाँ, ये मैं आपको एक हिंदी में भी दिखा देता हूँ। आप बोल के बाद बता दें। ये देखिए, पासपोर्ट सेवा केंद्र, प्लॉट नंबर 27 एवं 28, ट्रांसपोर्ट नगर, नरवाल, नरवाल फ्रूट मंडी के समीप, पिन कोड है 1800012। कॉन्टैक्ट तो नहीं शेयर करना चाहते तब तक मेरा? कॉन्टैक्ट नंबर क्योंकि अभी वहाँ जाके थोड़ा सेटिंग होगी इसकी, जो ऑफिशियल नंबर्स की होगी, बट अभी अभी तक तो यही एड्रेस है।
फ़ोन नंबर जो होगा, ऑल दो यही फ़ोन नंबर वहाँ पे काम करेंगे, लेकिन इसको सेटिंग करने में माइट भी थोड़ा एक दो दिन का वक्त लगेगा। ठीक सर, आप एक स्क्रीन में देखिए जी, आप ऑफिस शिफ्ट करने जा रहे हैं, एड्रेस बताएंगे कि कहाँ, ताकि लोगों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, किस जगह पे उनको आना होगा मंडे से। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है ये शिफ्ट कर रहा है 26 तारीख को, तो मेरे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जो 26 ऑनवर्ड्स आना चाहते हैं, आएंगे जो पासपोर्ट सेवा केंद्र में, उनको मैं इस बताना चाहता हूँ कि हमारा एड्रेस चेंज हो गया है। एड्रेस जो है वो प्लॉट नंबर 27 और 28, ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल, नियर फ्रूट मार्केट नरवाल। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि उसी एड्रेस पे आएं और अपना पासपोर्ट का जो प्रोसेस है वो करवाएं वहाँ।